मोदी सरकार पार्ट टू के पहले बजट को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। वहीं विपक्ष इसे आम लोगों के साथ धोखा वाला बजट बता रहे हैं। विकासशील इंसाफ पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने आम बजट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर है। उन्होंने चुनाव के दौरान लोगों से बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन चुनाव की जीत के बाद लोगों को भूल गए हैं। आइए जरा सुनते हैं कि मुकेश सहनी ने क्या क्या कहा। कि आम बजट जो मोदी जी का विजन है उनके अनुकूल बिल्कुल ही नहीं है। आम जनता को जो उन्होंने वादा हमेशा करते हर सभा में या हर जगह वो जो वादा करते कि गरीब किसान के लिए युवा के लिए हम कुछ करेंगे, तो इसमें बजट में कुछ भी नहीं है। आप पेट्रोल का देखिए, एक तरफ रेट बढ़ा दिया, गाड़ी का आप खरीदने के लिए GST कम कर दिया, तो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए बजट नहीं है। उससे भी बड़ा दुखनायक बात यह है कि लोग गांव में कहावत है गेदली और के घी पीना, मतलब आप कर्ज में हो और आप घी पीने की बात कर रहे हैं। तो आपने जब आपका सरकार बना देश में 2014 में, उस समय में देश के ऊपर सिर्फ 54 लाख करोड़ रुपया कर्ज था, और 54 लाख सिर्फ नहीं हो सकता, 54 लाख भी करोड़ बहुत है, लेकिन आपने आज 82 लाख करोड़ रुपया कर्ज पे आप भारत सरकार को ला दिए, जो पिछले 4.5 साल में 28 लाख करोड़ रुपया आपने भारत के ऊपर कर्ज बढ़ा दिए। मेरा सवाल है कि मोदी जी, ये 28 लाख करोड़ रुपया आपने क्या किया और कहाँ रखे हैं? ये 28 लाख रुपया जो हमारे कल आने वाले पीढ़ी है या आने वाले जनरेशन है, आने वाले जो भारत के लोग हैं, उनको किस तरीके से कैसे कर्ज चुकाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक से आपने इतने बड़े पैसा लेके रखा है। तो कहीं ना कहीं देश को, जनता को गुमराह कर रहे हैं मोदी जी, और ये बजट कोई जनता के लिए नहीं है, ये खास लोगों के लिए बजट है, और इससे जनता के लोगों को निराश है। और ये बजट सही मायने पे रखा जाए तो इससे जनता को कुछ भलाई नहीं।